गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम समीरा पहावा, योर कंप्यूटर टीचर. स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर 7, इंटरनेट सर्विसेज. एंड टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स द एक्सेस टू इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इंटरनेट को एक्सेस करने की, इंटरनेट को चलाने की परमिशन देती है, उस कंपनी को हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं या ISP बोलते हैं. एक्सेस इज़ प्रोवाइडेड थ्रू ए मोडेम दैट कनेक्ट्स योर कंप्यूटर विद द सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्वर. मोडेम के थ्रू हमारा कंप्यूटर कनेक्ट करता है कंपनी के सर्वर से, जो इंटरनेट सर्वर होता है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. मोडेम कैन बी वायर्ड, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायलअप केबल्स और वायरलेस, वाईफाई या 3G 4G नेटवर्क. मोडेम कुछ भी हो सकता है, टेलीफोन लाइन भी हो सकती है या फिर डायलअप कनेक्शन भी हो सकता है, केबल्स भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकता है, लाइक जैसे हम वाईफाई यूज़ करते हैं. कनेक्टिविटी प्रोवाइड्स ए वाइड चॉइस ऑफ डाटा ट्रांसफर स्पीड एट अदर सर्विसेज अलॉन्ग विद इंटरनेट एक्सेस. कनेक्टिविटी का मतलब होता है आप इंटरनेट से किस तरह से कनेक्ट हैं. द काइंड ऑफ कनेक्टिविटी अवेलेबल टू यू डिपेंड्स ऑन द कनेक्टिविटी फैसिलिटीज़ इन योर एरिया. डिपेंड करता है कि हमारे एरिया में कौन सी फैसिलिटी हमें अवेलेबल है. सम कॉमनली यूज इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ आर, फर्स्ट इज़ डायलअप. डायलअप इंटरनेट एक्सेस यूजेज द पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क टू कनेक्ट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. जो डायलअप कनेक्शन होता है वो टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट होता है. ये जो नेटवर्क होता है बहुत ही स्लो होता है और इतना अच्छा नहीं होता, इसकी स्पीड अच्छी नहीं होती. नेक्स्ट इज़ DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. DSL आल्सो यूजेस टेलीफोन नेटवर्क लाइक डायलअप, बट इट इज़ फास्टर देन डायलअप. ये भी टेलीफोन नेटवर्क है बट ये डायलअप से फास्टर है. नेक्स्ट इज़ केबल इंटरनेट एक्सेस. इट यूजेस केबल टेलीविज़न नेटवर्क, इट इज़ एज फास्ट एज DSL, ये भी DSL के जितना ही फास्ट होता है. नेक्स्ट इज़ 3G और 4G. थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी इज़ यूज फॉर मोबाइल डिवाइसिस. इट हैज़ हायर डाटा ट्रांसफ़र स्पीड एंड यू कैन ट्रांसफ़र मल्टी मीडिया. जो हम 3G और 4G नेटवर्क यूज़ करते हैं उसके थ्रू हम अपनी हायर डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मल्टी मीडिया मीन्स अपनी पिक्चर्स को, वीडियोज़ को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वाईफाई. द पॉपुलर टेक्नोलॉजी अलाउज वायरलेस कनेक्शन विद इंटरनेट. वायरलेस कनेक्शन होता है वाईफाई का, जो हम अच्छी तरह से जानते हैं. नाउ इट इज़ हम यूज़ करते हैं बहुत अच्छी तरह से वाईफाई को. इट इज़ ऑल्सो ए हाई स्पीड सर्विस. ये बहुत हाई स्पीड सर्विस होती है. कनेक्शन इज डन थ्रू ए डिवाइस कॉल्ड द वायरलेस एक्सेस पॉइंट. टूडे यू विल फाइंड वाईफाई इन होम्स, ऑफिसिस, होटल्स, कॉलेजेस एंड स्कूल्स, कैंपसेस, शॉपिंग मॉल्स एंड कॉफ़ी शॉप्स एक्सेट्रा. वाईफाई हमें हर जगह देखने को मिल जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल. ईमेल इज़ द मोस्ट वाइडली यूज इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन टूल. ईमेल इंटरनेट बेस्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कम्युनिकेशन टूल है. सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ईमेलिंग. जब हम इंटरनेट पर मैसेज सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं उसे हम ईमेलिंग बोलते हैं. ईमेल्स आर एक्सचेंज बिटवीन स्पेसिफिक ईमेल एड्रेसेस और ईमेल आईडीज. ये हम ईमेल आईडीज के थ्रू ही कर सकते हैं. ईमेल आईडी आइडेंटिफाइज योर मेल बॉक्स. फॉर एग्जाम्पल, anujkumar@hotmail.com इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल एड्रेस. ईमेल आईडी हमारी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है इंटरनेट पर, जिसके थ्रू हमारे मैसेजेस जो हैं वो हमारे मेल बॉक्स में ही आते हैं. सम पॉपुलर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स आर जीमेल, हॉटमेल, रेडिमेल एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. ईमेल से हमें क्या बेनिफिट होते हैं. सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल इज़ वेरी फास्ट. इससे हम बहुत जल्दी जल्दी अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं. इंस्टेंटली हमारे मैसेज दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं. मोस्ट ईमेल सर्विसेज आर फ्री टू यूज़. ये फ्री होते हैं बिल्कुल, हमें कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती इसके लिए अलग से. द प्रोसेस ऑफ ईमेल इज़ वेरी सिंपल. इसकी प्रोसेस बहुत सिंपल है, कोई भी इजीली इसको सीख सकता है. फाइल्स कैन बी अटैच्ड अलोंग विद द मैसेज वी सेंड. हम फाइल को भी अटैच करके मैसेज के साथ सेंड कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट, ईमेल सर्विस कैन बी यूज्ड फॉर एनीवेयर एंड एनी टाइम. ये हम कहीं पर भी और किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट. हम अपना ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सबसे पहले वेब ब्राउज़र पर हमने ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का URL टाइप करके कोई भी सर्विस प्रोवाइडर खोलना है. लाइक हमने यहाँ पर http://www.gmail.com फिल किया है. नाउ क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट ऑप्शन. यहाँ पर हम
क्रिएट अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नाउ हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, हमें इसे फिल करके सबमिट करना है एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज अपीयर होगा हमें विंडो पर, स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। हमारा जो है ईमेल अकाउंट क्रिएट भी हो गया और लॉगिन भी हो गया है, अब हम अपना ईमेल अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट वी विल रीड टुडे, द रेस्ट पार्ट्स ऑफ द लेसन वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।